सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। सावन में बहुत सारी चीजों को करने की मनाही होती है, जिसमें सबसे पहले आता है खान पान। सावन में नॉनवेज तो अवॉइड करने को कहते ही, लेकिन इसके साथ ही सावन में मिल्क को अवॉइड करने की भी सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल में कि मिल्क को अवॉइड करने का क्या साइंटिफिक रीजन है। शास्त्रों में सावन के महीने को बहुत पावन माना गया है। ये महीना महादेव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि सावन का महीना महादेव को अत्यंत प्रिय है। यदि महादेव के भक्त इस दौरान भक्ति पूर्व उनकी पूजा अर्चना करें तो महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। लेकिन सावन के महीने में कुछ नियम भी शास्त्र में बताए गए हैं। इन नियमों में से कुछ नियम खाने पीने की चीजों को लेकर बताए गए हैं। सावन में साग और दूध का सेवन ना करने के लिए कहा गया है। ऐसा क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। धार्मिक रूप से मान्यता है कि दूध महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय है और सावन भर उनका अभिषेक किया जाता है, इसलिए दूध को सावन के महीने में नहीं पीना चाहिए। वहीं साग न खाने को लेकर कहा जाता है कि महादेव को प्रकृति अत्यंत प्रिय है। सावन का महीना बारिश का महीना होता है और इस महीने में प्रकृति बेहद खूबसूरत नजर आती है। ऐसे में पेड़ पौधों को कोई नुकसान पहुँचना नहीं चाहिए। साग भी पौधों का ही स्वरूप है, इसलिए सावन में इसे ना खाने की सलाह दी जाती है। चलिए बात करते हैं साइंटिफिक रीजन की। साग न खाने के पीछे वैज्ञानिक तथ्य ये है कि सावन के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होती है। इस दौरान हमारा डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है और खेतों में कई तरह के घास फूस भी उगाती है। साग को काटने पर ये चीजें भी उसके साथ कटकर आ जाती हैं। ऐसे में जब हम साग का सेवन करते हैं तो कुछ हानिकारक चीजें हमारे पेट में जा सकती है और पेट का डाइजेशन गड़बड़ाने लगता है। वहीं आयुर्वेद के अनुसार सावन में साग का सेवन करने से शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ने की बात कही गई है। ऐसे में पित्त संबंधी रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं सावन में मिल्क यानी कि दूध अवॉइड करने की सलाह क्यों दी जाती है। दूध को पीने से मना करने के पीछे वजह है कि सावन के महीने में गाय, भैंस और अन्य मवेशियों को जो चारा घास फूस खिलाया जाता है उसमें साग भी शामिल होता है। ऐसे में मवेशी उस चारे के साथ बारिश के मौसम में पनपे हानिकारक तत्वों को भी खा जाते हैं। उनके दूध के जरिए वो हानिकारक तत्व हमारे पेट में पहुंच जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं आयुर्वेद की माने तो दूध भारी प्रकृति का माना जाता है। बारिश में डाइजेशन पहले से ही कमजोर हो जाता है। ऐसे में भारी प्रकृति के दूध यानी कि हैवी मिल्क को पीना हमारे डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इसके कारण कई तरह की समस्याएं होने की आशंका होती है। यही वजह है कि सावन में दूध न पीने की सलाह दी जाती है। हालांकि दूध को अच्छी तरह से उबालकर उसका दही जमाकर खा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो इससे भी परहेज करते हैं। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।